हांजी अब ठीक है, ठीक तो है, अब चुपचाप सुनना है, अब आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, अब चुपचाप सुनते चलो और लिखते चलो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो रे ऑप्टिक्स में द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज योर रिफ्लेक्शन। चलिए फटाफट से बताइए रिफ्लेक्शन क्या होती है। रिफ्लेक्शन आयुष व्हाट इज रिफ्लेक्शन? ओके तो कैन आई से बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। बट हम रिफ्लेक्टिंग ना यूज करके कैन आई से प्लेन शाइनिंग सर्फेस opaque surface. Sit down. Okay. Sit down. Ayush, बस चलिए तो लिखिए फिर। तब हम जब बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, तो let us draw the diagram. This is your surface, plain shining surface. Okay? साथ साथ में क्वेश्चन भी सुनने हैं, क्या क्या क्वेश्चन। तो सबसे पहले वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल सोनिया? व्हाट इज नॉर्मल? लाइन परपेंडिकुलर टू व्हाट? जो भी आप यहां पर प्लेन शाइनिंग सरफेस ले रहे हो। अब देखो ये नॉर्मल है। लेट अस से देयर आर सो मेनी लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड वी आर जस्ट टेकिंग ओनली वन। ओके दिस इज माय इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। व्हेन दिस इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन दिस सरफेस मेकिंग सम इंसिडेंट एंगल आई विद द नॉर्मल देन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड और इट विल गेट बाउंस बैक इन टू द सेम मीडियम बाय मेकिंग सम एंगल आर विद द नॉर्मल। दिस एंगल इज नोन एज रिफ्लेक्टेड एंगल एंड दिस रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज माई incident angle. Now there is a question. This incident and this reflected angle is always made with बेटा अगर तुमने माइक अब साइड में नहीं रखा ना तो उसके बाद प्रिंसिपल सर ही आएंगे तुम्हारे क्लास में। So these both angle, incident and reflected angle, both are made by the rays with normal. Okay, so if you have given the condition that the ray is entering through the normal, then what is the value of your incident angle? If the incident ray is entering through the normal, zero. Then what is the incident angle? Zero. And what will be the reflected angle? Zero. So this is very very important to understand that both the angles are made with normal. Okay. And this phenomena, this concept is only true if we are saying that angle I and R are very small. Okay. हम बहुत लार्ज वैल्यूज के लिए बात नहीं कर रहे, हम स्मॉल वैल्यूज के लिए ही बात कर रहे होते हैं। Understood this point? लिख लो साथ में both incident and reflected angles are made with normal to the surface.
if another point है आपका, if angle I is equals to zero, that means incident ray is entering through the normal through the surface, then reflected angle R will also be zero. तो अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करूं तो व्हाट शुड बी इट्स डायग्राम लुक लाइक? अगर हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करें तो शुड बी लुक लाइक, अगर दिस इज योर नॉर्मल, इफ द इंसिडेंट रे इज गोइंग लाइक दिस, देन द रिफ्लेक्टेड लाइट विल आल्सो बी लाइक दिस. अंडरस्टूड? यस. इन दिस केस जिस पास से तुम्हारी इंसिडेंट लाइट आ रही है उसे पास से रिफ्लेक्टेड लाइट वापिस हो जाएगी. ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस. दिस प्लेन शाइनिंग सरफेस, दिस इज ऑल्सो नोन एज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. Now when we are talking about the reflection, now we are saying about reflection. और हमने कहा कि reflecting surface we need for this reflection. तो अब ये reflecting surface कितनी तरह का होता है? कौन कौन सी reflecting surface है आपके पास? अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये ray of light जो है that is reflected through this reflecting surface, मुझे बताओ तुम्हारे पास कौन कौन से रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हैं जिनके लिए हम डिस्कस करें? मिरर्स. कौन से मिरर्स? ओके, तो यहाँ पर हम दो तरह के सर्फेसेस की बात करेंगे. ठीक है, वी विल टॉक अबाउट टू सर्फेसेस. वन इज योर प्लेन मिरर एंड अनदर वन इज योर, तो रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने के लिए हम दो तरह के सर्फेसेस की बात कर रहे हैं. वन इज योर प्लेन मिरर्स. आप पिछली क्लासेस में आप सिर्फ इसके बारे में सुनते आए हो, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, अब हम डिटेलिंग करेंगे. ठीक है, एंड द अदर वन इज स्फेरिकल मिरर्स. नाउ इन स्फेरिकल मिरर्स यू आर हैविंग टू टाइप्स फॉर द, कौन कौन से? कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स. और कैन आई ऑल्सो से मिरर्स की बजाय कैन आई ऑल्सो से रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस? अब इसी की हम डिटेलिंग आगे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, नाउ द फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज प्लेन मिरर्स. चलो प्लेन मिरर्स पे जाने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन, जल्दी से मुझे आंसर देना. कितनी तरह की इमेजेस फॉर्म होती है? कितनी तरह की इमेजेस है? दो. कौन कौन सी? रियल एंड वर्चुअल. रियल इमेजेस कौन सी होती है? विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इन विच द रेज आर एक्चुअली मीटिंग टू फॉर्म द इमेज ऑन द स्क्रीन. एंड व्हाट आर वर्चुअल इमेजेस? In which we force the rays to meet on the screen to form the image. Okay, so can you now tell me from this
surfaces, which one is forming real and which one is forming virtual images? In those, which one is forming what type of image? And the concave mirror me, concave me? Real and virtual both. Or convex me? Only virtual, okay. And in plane mirrors? Virtual. आप लोग बोल रहे हो वर्चुअल बनती है रियल बनती है हाँ प्लेन मिरर्स में वर्चुअल बनती है रियल नहीं बन सकती हम्म क्या रियल नहीं बन सकती वर्चुअल ही बनती है चलो तो इस चीज के लिए हम चेक करते हैं बना के देखते हैं अब आपने ये बोल तो दिया अब ये क्या सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा तो हम चेक करते हैं हम ऐसे नहीं जाते हम लास्ट में ये कंक्लूजन निकालेंगे कि किसमें किस तरह की बन सकती है तो हम बना के देखते हैं अब हम बात करते हैं सबसे पहले हम प्लेन मिरर्स की बात करते हैं ठीक है अब आप देखना और मुझे बताना कि किस तरह की इमेज बनती है बनाओगे आप लोग पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए यू शुड हैव मिनिमम टू रेज दो या दो से ज्यादा रेज को मिला के ही आप इमेज बनाओगे दो से कम रेज से इमेज नहीं बनानी है एक रेज से इमेज नहीं बनानी है पहली बात प्लेन में उसमें बात करते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे दो तरह के ऑब्जेक्ट की बात करेंगे इन प्लेन मिरर्स हम अभी बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की दो तरह की ऑब्जेक्ट है हम दोनों की इमेज बना के देखेंगे फर्स्ट इज योर पॉइंट एंड द सेकेंड वन इज योर एक्सटेंडेड एंड नॉन पॉइंट यू कैन सी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ठीक है पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट चलिए सो सबसे पहले आप लोग मुझे पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बना के दिखाओगे जल्दी से बना लो लेट अस से मैं सिर्फ तुम्हें क्या कंडीशन लेनी है वो बता रही हूं तुमने मुझे इमेज बना के दिखा ठीक है लेट अस से दिस इज माय ऑब्जेक्ट एंड दिस इज माय पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज माय प्लेन मी चलो अब नाम फटाफट से इमेज बनाओ सभी अपने नोटबुक्स में फॉर्म द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दिस इज माय मिरर M1 पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी जस्ट फॉर्म दैट इमेज मुझे फटाफट से आंसर दे दे वी आर डूइंग इमेज ट्रेसिंग थ्रू प्लेन मिरर हम प्लेन मिरर के लिए इमेज ट्रेसिंग कर रहे हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज हमारा ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है नाउ मेक द इमेज फॉर दिस ऑब्जेक्ट किस तरह की इमेज बनेगी बन जाए तो मुझे बता देना आयुष बन गई तुम्हारी yes. तो मैंने तुम्हें डिस्कस करने को तो नहीं बोला किसी के साथ अपने अपने बनाओ ना तभी तो पता चलेगा कैसे बनानी है डन कुंजल बन गई तुम्हारी प्रांजल सबकी बन गई यस और नो यस मैम विनय हो गया चलिए बताइए कैसे बना रहे हैं आप
क्या करा पहला स्टेप? ये ऑब्जेक्ट था, लेट अस से, अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है? दिस इज द रे गोइंग हियर, ठीक है? एक रे ये बना ली मैंने, रे इज गोइंग लाइक दिस। जब यहां आएगी क्या करूं इस पॉइंट पे? व्हाट शुड आई डू एट दिस पॉइंट? नीचे? हाँ ऊपर? चलो देखते हैं। लेट अस से दिस इज माय रे, फर्स्ट रे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना था आप लोगों ने? नॉर्मल। तो दिस इज योर इंसिडेंट एंगल। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिस रे विल गेट रिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग एंगल आर with the normal, an angle I and R will be equal. ये रे आपकी कुछ आ रही है इस तरह से, by making angle R in this direction. ऐसा ही हो रहा है? Yes. अब क्या करूं मैं इसे पीछे extend कर देते हैं. We extend it in the back direction. Similarly, I do the same thing here. This one. Again, I will draw a normal here. Incident angle. And it will get reflected. And also increase this in the backward direction. Wherever these two rays meet each other, the image of the object will be formed here. Yes, ma'am. Is it correct? Yes, ma'am. अब ये मैं एक बात बताऊँ, सिर्फ ये दो rays आएंगी, क्या मेरी center से भी draw कर सकती हूँ मैं? अगर हम यहाँ पर बात करें, see. Yes, sir. इसका बताओ, इस ray को क्या होगा? क्या ये इसी पास से reflect back हो जाएगी? Yes, ma'am. Is it clear? Yes. तो इसको भी मैंने डॉटेड मिलाया है. अब ध्यान से देखो, जो रेज मेरी प्रिंसिपल सॉरी प्लेन मिरर से इधर हम ड्रॉ कर रहे हैं, दे वर नॉट गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दे वर एक्चुअली गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट वी एक्सटेंड देम टू मीट एट द पॉइंट आई. किस तरह की इमेज बन रही है? रेज वर नॉट एक्चुअली गोइंग, वर्चुअल. वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म एट डिस्टेंस. कितने डिस्टेंस पे बनेगा? इफ लेट अस अज्यूम द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज डी फ्रॉम द प्लेन मिरर, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर? It will also be at a distance d. And what is the distance of image from object? 2d. 2d. Very nice. इतना समझ में आया? अब आपका क्वेश्चन है यहीं से. Now your question is it possible that there will be a real image formation from this diagram? Yeah, through plane mirror. Or your question is simply like, can plane mirror form real image of an object? No, ma'am. No? Socho jaldi se. Sanjay, what is your answer? Is it possible that a plane mirror can form real image of an object? Sanjeev, आपने ही आंसर देना है, बाकी किसी से भी पूछा मैंने. Is it possible that a plane mirror can form
real image of an object. अच्छा ये बताओ ये ऑब्जेक्ट कैसा था? Is it a real object? Yes. इसकी इमेज कैसी बनी? Virtual. अगर मैं अब रिवर्स कर दूं, सोचो 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 जल्दी से. अगर हम रिवर्स कर दें, नाउ वी से दैट आवर ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल. अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इफ दिस इज योर ऑब्जेक्ट नाउ, तभी वर्चुअल होगी. जरा अब इसको जरा इमेज ले, इस इमेज को ऑब्जेक्ट लेके जरा इसकी इमेज बना जल्दी से. इस इमेज को ऑब्जेक्ट लो और इसकी इमेज बना. बनाइए बनाइए फटाफट से. आयुष बना लो अपनी ड्राइंग. आई एम सेइंग इस इमेज को जो हमारी यहाँ इमेज बनी, अगर मैं अब इसको ऑब्जेक्ट लू, इफ माई ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, बनाओ जरा इसकी इमेज कैसी बनेगी. सेम हाँ. ऐसे बनाए, सोचो जरा कैसे बने ये इमेज. नाउ फटाफट से कैसी बनेगी इमेज? वर्चुअल. वर्चुअल बनेगी. इधर देखो महान आत्माओं, जरा यहाँ देखो. अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इसकी इमेज कैसी बनी? वर्चुअल. अगर अब मेरा ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, अगर मैं इसकी रेस को इमेजिन करूं, तो इस ऑब्जेक्ट की क्या ये इमेज होगी? अगर ये रेस को ऐसे ही तुम वापस ट्रेस करो, ट्रेस करना शुरू करो, यहां से ये जा रही थी, ये वाली रे थी, इस रे को यहां पर नॉर्मल के साथ, अगर ये अब इंसिडेंट एंगल है, इफ नाउ दिस इज योर इंसिडेंट एंगल, तो ये बना इसका रिफ्लेक्टेड एंगल. ये वाली को मैंने ऐसे अगर एक्सटेंड करके देखा, अगर ये तुम्हारा इंसिडेंट एंगल है तो ये बना रिफ्लेक्टेड एंगल. और दोनों के रिफ्लेक्शन, दोनों के रिफ्लेक्टेड रेस को जब मैंने मिलाया, तो आई गॉट अ इमेज एट दिस पॉइंट विच इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग. तो इफ योर इमेज इज वर्चुअल, सुनो, इफ योर इमेज इज वर्चुअल, और अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट, इस इमेज को ऑब्जेक्ट लिख लू, दैट इज माई वर्चुअल ऑब्जेक्ट. तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की ये जो इमेज बनी, दैट विल बी योर रियल इमेज. उल्टा कर दिया मैंने. मैंने क्या कहा? पहले मेरा रियल ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज कैसी बनी थी? हाँ जी, ये सेकंड लास्ट डेस्क, सीधे बैठो पहले. तो हम एज्यूम कर रहे हैं इसका केस. अब देखो इसका केस कैसे, अब ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. सुनो, हम करते हैं, देखो दो प्लेन मिरर्स पड़े हैं. क्या तुम मेरे को इसके लिए इमेजेस बना के दिखा सकते हो? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन, इफ योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन, मुझे फटाफट से इसकी इमेजेस बना के दिखाओ. कैसे बनाओगे? यस, बोथ द प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर like this, and the object is placed
in between them. Let us say at some point. This is my object. तुमने इसकी images बनानी है. जल्दी से image tracing करके बताओ कैसे images आ रहे हैं. चल कर. अपनी अपनी डायग्राम देखो. इमेज ट्रेसिंग हो रही ऐसे ही है. ऐसे ही करो और फटाफट से आंसर दो. बनाओ कैसे बना रहे हो नंबर ऑफ इमेजेस. बहुत सारी इमेजेस बनेंगे. हाँ कितने इमेजेस बनेंगे. इन्फिनिटी. क्या बना बना के दिखा सकते हो. चलो मुझे तीन चार इमेजेस ही बना के दिखा दो. कैसे बना रहे हो. फटाफट से